हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद की तरफ से, जिसने दोस्तों एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी निकाली है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर से करना और वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे ऊपर लिखा मिल जाएगा हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। नीचे चलकर आपको बताया गया APSC यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से शुरू होंगे और इसके लिए आप 5 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, फीस में आपको एक दिन की छूट दी गई है, यानी कि आप 6 अक्टूबर तक की अपनी जो फीस है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एग्जाम डेट भी दी गई है, लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1200 रुपया, लेकिन दोस्तों अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस मात्र 1000 रुपये रहेगी। और दोस्तों, ये जो फीस है ये आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। अब इसके बाद अगर एज लिमिट्स की बात करते हैं तो दोस्तों, आपकी उम्र का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2021 को होगा और इस दिन आपकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर सिंपली DOB की बात करें तो आपका जन्म 2 जुलाई 1986 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री चाहे BA हो, चाहे BCOM हो, चाहे BSc हो, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको डाटा एंट्री, नॉलेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप APS पोस्ट के लिए अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्टेनोग्राफर टाइपिंग जो स्पीड है वो 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपराइटर पर 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफर के लिए और टाइपराइटर के लिए आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 68 यानी 68 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली हुई है। आपको नीचे चलकर पोस्ट नेम के साथ सैलरी और जनरल OBC SC ST का सभी का कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी दी गई है। इसके बाद टोटल जो है 60 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स बिल्कुल CO-STIC होने चाहिए। दोस्तों, आपके फोटो साइन ID प्रूफ जो है स्कैन होकर अपलोड होंगे। और साथ ही दोस्तों, जब तक आपकी फीस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा और फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक प्रिंटआउट ले लेना है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।